आज के हमारे इस एपिसोड में हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर फागुनी हमें बताएंगी कि इन चीज़ों के अलावा पिरामिड्स का इस्तेमाल और किन चीज़ों को सुधारने में किया जा सकता है। वेलकम टू आर शो मैम। हाय गरिमा। हाय मैम, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगी कि वास्तु के अलावा अपने घर का वास्तु, अपने ऑफिस का वास्तु या फिर अपने पर्सनल वास्तु के अलावा हम पिरामिड्स का इस्तेमाल और कहाँ कर सकते हैं? पिरामिड्स का इस्तेमाल बेसिकली कोई भी चीज़ पे कर सकते हैं जी। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर एक पिरामिड को जी आप यूज़ करते हो जी, उसका कैप खोल के अंदर एक आप स्टेल एप्पल या कोई भी चीज़ रख दो जी, वो थोड़े टाइम के बाद आप खोल के देखेंगे इट हैज स्टॉप गोइंग मोर स्टेल। ओके। या आप एक ब्लेड को रख दीजिए, वो थोड़े दिनों के बाद इट विल शार्पन इट्स एजेस। ओके। देयर इज सो मच ऑफ एनर्जी इन पिरामिड्स। पिरामिड्स कैन बी यूज्ड फॉर हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, फॉर एनीथिंग। ओके। हमने कोई कई टूल्स डिजाइन किए हैं पिरामिड्स के जिसको पायरा टूल्स बोलते हैं। ओके। जो कई जगहों पे अदर देन वास्तु यूज किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कार है जी, या एक व्हीकल है, तो उसमें लो मेंटेनेंस आए, ओके, एक्सीडेंट प्रोन ना हो, ना हो, या उसके चालक की लाइफ सिक्योरिटी हो, ओके, उसके लिए पायरा कार डिजाइन किया गया है, विच यू कैन यूज इट ऑन योर टू व्हीलर्स, यू कैन यूज इट ऑन योर कार्स, यू कैन पुट इट ऑन योर डैशबोर्ड्स। ओके। और इसे इस तरह प्रोग्राम किया गया है कि यू मीट डोंट मीट विद एक्सीडेंट्स, और इवन इफ यू डू देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ, or there is low maintenance because of wear and tear. Okay. Similarly, there are products like meditation seats. Okay. हम जब meditation करने बैठते हैं तब हमारा उद्देश्य यही होता है कि we are quickly in one with the cosmos. तो इसको इस तरीके से program किया गया है क्योंकि pyramids are a tool to pull energy from cosmos. Okay. तो ये seats आपको इतनी help करती हैं कॉस्मॉस के साथ वननेस के लिए, कॉस्मिक कनेक्शन के लिए। तो दैट इज अनदर वे ऑफ यूजिंग पिरामिड्स। देयर इज वन मोर टूल कॉल्ड स्वस्तिक मिनी। ये एक छोटा सा स्वस्तिक है जिसको आप यूज कर सकते हैं जी मशीन्स पे, कंप्यूटर्स पे, बुक्स पे। जैसे अगर आप फैक्ट्री में हो तो मशीन्स के सेंटर पोर्शन पे अगर इसको लगाया जाए जी, यू विल फील and you can see ke the productivity is more it's there increased. Is less wear and tear, okay, maintenance is less, the consumption of electricity is not a wastage, there is not over consumption of it, kafi sare benefits us pe paaye jaate hain. If you put it on computers you will find that there is the correspondence that you do is more positive. Okay the again the functioning of the program is much better. Okay. There is less of virus which affects your computer. Okay. Similarly, agar isko aapke padhai ke daftar pe lagaya jaye on your bag, school bags. Okay. Then what happens is that the books inside receive positive energy. There is more concentration from your side towards the books. It energizes it. Okay. Aap isko auspicious jagahon par bhi laga sakte hain, jaise ghar ke bahar. जी। यू कैन पुट इट इन कैश बॉक्स टू गेट मोर एनर्जी इन दैट प्लेस। आप इसे इवन हीलिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओके। लाइक इफ यू हैव पेन साइट्स, ओके, यू कैन प्रेस द पेन साइट्स विथ इट, योर इंटेंशन एंड द पिरामिड एनर्जी वर्क्स ऑन दोस पेन साइट्स, ओके, एंड यू कैन इवन हील योर सेल्फ विथ इट। ओके। सो पिरामिड्स कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पसेस, ओके, अदर देन जस्ट वास्तु। ओके। पिरामिड्स को आप अगर ऑलराउंड वेलनेस के लिए भी यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो अदर देन वास्तु। ऑलराउंड वेलनेस मतलब इंसान सारी चीज़ें पा सके। ओके। लाइफ में तीन लक मेजर हैं, एक है मैन लक, दूसरा है हेवन लक और तीसरा है अर्थ लक। ओके। मैन लक मतलब गुड कर्म। ओके। अगर हमारे कर्म सही हैं, अच्छे हैं, तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना ही है। इस बारे में कोई भी कुछ नहीं कर सकता, दैट यू हैव टू डू। बट द अर्थ लक एंड द हेवन लक कैन बी टेकन केयर ऑफ। ओके। हेवन लक मीनिंग आपके प्लैनेट्स, प्लैनेटरी पोजीशन। ओके। अगर हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजी को काफ़ी मान दिया गया है, तो अगर आपके ग्रह ठीक न चल रहे हो एंड यू आर नॉट रिसीविंग द करेक्ट प्लैनेटरी वाइब्रेशंस, तो उसका क्योर है, मतलब हेवन लक के लिए क्योर है। और अर्थ लक मतलब
वास्तु या स्पेस जहाँ जियोपैथिक स्ट्रेस हो उस जगह को भी टेकन केयर ऑफ किया जा सकता है ये टूल के द्वारा. तो हम आपको आज दिखाएंगे कि ये ऑलराउंड वेलनेस के लिए क्या टूल है. दिस इज कॉल्ड वास्तु पायरॉन. ओके. वास्तु पायरॉन इज वन विच टेक्स केयर ऑफ योर अर्थ लक एंड हेवन लक. ओके. यहाँ आप देखेंगे ये सैटर्न या शनि का उसकी साइन है, उसके कलर्स हैं. एंड शनि इज फॉर हैप्पीनेस. टू ब्रिंग हैप्पीनेस यू नीड टू गेट गुड वाइब्रेशंस फ्रॉम सैटर्न. इसमें पाई एनर्जी है विच वर्क्स. और दिस इज एज यूजुअल अ वेरी प्रोग्राम्ड पीस. ओके. टोटली ये 9 है क्योंकि ग्रह हमारे 9 हैं. ये है सैटर्न. दिस इज बुध. मर्क्यूरी फॉर बिजनेस. ये है मंगल. मंगल स्टैंड्स फॉर करेज. ओके. सो इफ यू डोंट इवन हैव इनफ रिस्क टेकिंग कैपेसिटी यू कैन नॉट प्रॉस्पर इन लाइफ. ओके. ऐसे ही ऑल 12 राशियों के 9 ग्रहों में अधिपति होते हैं उनके. जी. तो जो 9 ग्रह हैं सन मून वीनस मर्क्यूरी मार्स सैटर्न राहु एंड केतु ऑल दीज 9 प्लैनेट्स इंक्लूडिंग जुपिटर आर टेकन केयर ऑफ विद दिस पायरॉन. ओके. एंड इसको आपके इसके साथ आपको इंस्ट्रक्शन बुकलेट दी जाती है कि वेयर यू हैव टू कीप दिस पायरॉन इन योर हाउस टू गेट ऑल राउंड वेलनेस और इन योर ऑफिस फॉर ऑल राउंड वेलनेस इररिस्पेक्टिव ऑफ पेइंग अटेंशन टू वास्तु और टू योर प्लैनेट्स और टू योर लक. ओके. मैम आर दिस पायरॉन्स पर्सनली प्रोग्राम्ड फॉर एवरीबडी. लाइक अगर मुझे ये पायरॉन चाहिए तो क्या मेरे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इन्हें प्रोग्राम किया जाएगा? अगर इन्हें ऐसे प्रोग्राम किया जाए वो बेहतर है आप ही के लिए. जी. और अगर आप ये ना करना चाहें जी. तो आप घर के सारे सदस्यों के नाम और डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं जी. क्योंकि जितने लोग वो एनवायरमेंट में रहते हैं वो सभी के लिए ये काम मतलब करें. एक ही पायरॉन सब सारे घर के सदस्यों के लिए काम किया जा सकता है. और वैसे भी वो प्री प्रोग्राम्ड है एक एक ग्रह के लिए भी जी. तो आप निश्चिंत इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. और अगर ये सारे ग्रह के सदस्यों के नाम और डेट ऑफ बर्थ से प्रोग्राम किया जाए तो इट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर ईच वन ऑफ यू. ओके. तो मैम आर दीज पायरॉन इजीली अवेलेबल इन द मार्केट और दे हैव टू बी बॉट फ्रॉम एन एक्सपर्ट लाइक यू? डेफिनेटली दिस हैज़ टू बी बॉट फ्रॉम एन एक्सपर्ट बिकॉज मार्केट में आप शॉप में जाके कोई भी चीज़ खरीद सकते हो लेकिन उसके प्रोग्रामिंग किसके पास करवाएंगे जी. और ये सारे एडवांस टूल हैं लेकिन हमने कई एडवांस टूल को लेमैन के लिए उपलब्ध हो इसलिए उसको प्री प्रोग्राम करके इजीली उसका उपयोग कर सके जी. इसलिए विथ बुकलेट्स रखा है जी. मैम जैसे कि आपने बताया कि एक मार्स है एक सैटर्न का है तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है जिसमें हमें घर में इन्हें रखना है? ये हर एक जो है अगर इसका एक क्रोनिकल सीक्वेंस है जी. आप उन 9 को वो क्रोनिकल सीक्वेंस में वन वॉल पे भी लगा सकते हैं और अलग अलग डायरेक्शंस भी हैं जिसमें आप लगा सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें आपको ये 8 पायरॉन के साथ एक इन्फॉर्मेशन की तरह उपलब्ध हो जाए. थैंक यू सो मच मैम आज आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने हमारे दर्शकों को बताया कि वास्तु के अलावा पिरामिड्स को और किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द शो. थैंक यू सो मच.